बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मुआहदा लोज़ान क्या है, ये कब ख़त्म हो रहा है और क्या वाकई इसके ख़त्म हो जाने के बाद खिलाफत उस्मानिया दोबारा कायम होगी और अरब ममालिक और खुसूसन मक्का और मदीना दोबारा इसका हिस्सा बन जाएंगे। ये सब और बहुत कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल हिस्ट्री एंड इन्फो वर्ल्ड को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए। नाज़रीन, आज से तकरीबन 75 साल कबल हिंदुस्तान बरतानवी कॉलोनी हुआ करता था, और ना सिर्फ ये बल्कि बरतानवी साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसमें कभी सूरज ग़ुरूब नहीं हुआ करता था। लेकिन वक्त बदला और दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया को इन ममालिक को आज़ाद करना पड़ा और हिंदुस्तान भी 1947 में तकसीम होकर आज़ाद हो गया। तो क्या 2047 में, यानी 100 साल मुकम्मल होने पर, हम दोबारा बरतानवी कॉलोनी बन जाएंगे? यकीनन नहीं। और ऐसे ही आज से तकरीबन 600 साल पहले तक रोमन एम्पायर नामी एक सल्तनत मौजूद थी जो इंसानी तारीख की सबसे ज़्यादा अरसे कायम रहने वाली और सबसे ज़्यादा अरसे सुपर पावर रहने वाली सल्तनत है। लेकिन सुल्तान महमद फातेह ने 15वीं सदी में इसके दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया को फतह करके इस सल्तनत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। और आज भी यूरोप और खुसूसन इटली में उन रोमन्स की औलादें आबाद हैं। लेकिन उनमें से आज कोई उठे और कहे कि वो अपने आबाओ अजदाद की उस अजीम सल्तनत को दोबारा कायम करेगा और उन सब इलाकों को जो रोमन एम्पायर का हिस्सा थे उन्हें दोबारा उसका हिस्सा बनाएगा? तो यकीनन वो ऐसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि आज उधर कई ताकतवर ममालिक आबाद हैं जो ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। नाज़रीन, अब यकीनन आप जान गए होंगे कि इन बातों को करने का क्या मकसद है। अब मुआहदा लोज़ान की तरफ आते हैं और ये भी जानते हैं कि क्या वाकई इसके ख़त्म होने के बाद तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और उन सब ममालिक पर दावा करेगा जो पहले सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करते थे। नाज़रीन, अव्वलन तो ये बात जान लीजिए कि सल्तनत उस्मानिया और मगरबी इत्तेहादी ताकतों के दरमियान जो मुआहदा तय पाया वो मुआहदा लोज़ान नहीं बल्कि मुआहदा सेवरे कहलाता है, जबकि मुआहदा लोज़ान मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के जमहूरिया तुर्की और मगरबी ताकतों के माबैन हुआ। यानी मुआहदा लोज़ान का डायरेक्टली सल्तनत उस्मानिया से कोई ताल्लुक ही नहीं, और मुआहदा लोज़ान की मियाद 100 साल भी हरगिज़ नहीं, बल्कि ये गैर मियादी मुआहदा है। ये मुआहदा तुर्की का कामयाब जंग आज़ादी और खिलाफत के खात्मे के बाद अगस्त 2023 को नाफिजुल अमल हुआ। मुआहदा लोज़ान में कोई अस्करी दफात शामिल नहीं है। मुआहदे के इक्तिसादी सेक्शन में तमाम दफात एक दूसरे के शहरियों के इनफरादी मफादात, जायदादों और हकूक के मुतालिक हैं। मुआहदे की कोई दफात तुर्की की अंदरूनी तिजारत, मादनी वसाइल और बैनुल अक्वामी तिजारती ताल्लुकात के मुतालिक नहीं हैं। मुआहदा लोज़ान में तुर्की के इक्तदार आला को तस्लीम कर लिया गया। इसी तरह तुर्की ने साबिका सल्तनत उस्मानिया से आज़ाद होने वाले ममालिक की आज़ादी भी तस्लीम कर ली। तुर्क आबनाए को तमाम मुल्कों के तिजारती और फौजी जहाज़ों के लिए आज़ाद करार दे दिया गया, मगर ये शिक 1936 के बाद ख़त्म हो गई और इसके बाद तुर्क आबनाए मुकम्मल तौर पर तुर्की के अस्करी इख्तियार में आ चुकी हैं। इसी तरह इस मुआहदे की बाकी दफात का ताल्लुक भी एक दूसरे की जुग्राफियाई सालमियत के एहतराम, कंपनियों के तिजारती हुकूक, सल्तनत उस्मानिया के वाजिबुल अदा कर्ज़ों की अदायगी और नए आज़ाद होने वाले ममालिक का उस अदायगी में हिस्से जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया के साथ बराबरी पर मबनी ताल्लुकात पर है। और हाँ, बाज़ लोग ये भी समझ रहे हैं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान
बग़ैर किसी माहदे या जंग के सिर्फ सियासी डायलॉग से अरब ममालिक को सल्तनत उस्मानिया के झंडे तले जमा कर लेंगे तो ये उनकी भूल है, क्योंकि जिन अरब हुक्मरानों को हम जानते हैं वो किसी तुर्क की बालादस्ती को कबूल करें ये शायद मुमकिनात में से ही नहीं। और उनकी तुर्कों से नफरत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस वक्त पाकिस्तान में तुर्क सीरीज अर्तुरुल गाजी दिखाई जा रही थी उसी वक्त में अरबों ने किंगडम ऑफ फायर के नाम से सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ एक फिल्म बनाई जिसमें सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों को जालिम और जाबिर दिखाया गया। नाजरीन, इन सब बातों के बाद यकीनन आप जान गए होंगे कि खिलाफत उस्मानिया और मुआहदा लोजान के हवाले से जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं उनकी कोई ताबीर नहीं। और इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक मालूमाती वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।